किसानों को जो है आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त होता। जब अब आर्थिक रूप से हम मजबूत होते तो हमें किसी चीज का कमी नहीं होता। हमें सिंचाई की अगर सब उचित व्यवस्था हो जाए, हम तमाम फसलों को उगाएंगे, हम अपनी आर्थिक समस्या का समाधान करेंगे तो मेरा बेटा आंगनबाड़ी में पढ़ने नहीं जाएगा। यह सिंचाई जो है पढ़ाई को भी प्रभावित करता है। अगर हमें सब उचित सिंचाई का व्यवस्था मिल जाता है तो हम अपने खेतों से अर्थ उपार्जन करेंगे और बेटा को जैसे अडानी और अंबानी उद्योगपति और पूंजीपतियों का बेटा। विचारधारा के लोग हमारे पूर्वज नेता लोग थे जो किसान और मजदूर के कोख से पैदा हुए थे, इसकी पीड़ा को किसान और मजदूरों के पीड़ा को जानते थे। तभी तो अवधेश बाबू ने सड़क से लेकर के सदन तक कदवन जलाशय की समस्या को उठाए थे, कदवन जलाशय निर्माण की लड़ाई को लड़े थे। आज 1989 में राजीव गांधी ने इस कदवन जलाशय परियोजना का जो है इन्होंने इसका निर्माण का विषय वस्तु खड़ा किया था और जगन्नाथ मिश्रा ने इसका शिलान्यास किए थे 89। और आज 31 वर्ष होने जा रहे हैं, 31-32 वर्ष में।